हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में कुछ स्पेशल होने वाला है और आज कुछ सरप्राइज गिफ्ट आने वाला था मेरे हस्बैंड का मेरे लिए, दिवाली गिफ्ट। उनके ऑफिस से दिवाली गिफ्ट आता है, हर साल आता है, तो बस उसी का मुझे बहुत इंतज़ार था, वेट था कि आने वाला है। और गिफ्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं जो देख कर बहुत ही खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 10 और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ सांभर इडली। और इडली मुझे भी बहुत पसंद है, अभिषेक को भी बहुत ज़्यादा पसंद। तो मैंने यहाँ पर सारी कटिंग कर ली है, बैंगन छील लिए थे और लौकी को और कटिंग कर ली, और अरहर की जो दाल होती तो मैंने यहाँ पर दाल ली हुई है, सभी को मिक्स कर दिया है। टमाटर है नहीं अभी घर पर, तो ये लेने गए हुए हैं नानू के पापा टमाटर, तो मैंने जब तक कुकर में सारा सामान रख दिया है। और जो मैंने सूजी गलाई थी तो मैं सूजी को देख लेती हूँ, सूजी भी काफ़ी गाढ़ी है यहाँ पर अभी, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी। फूल कर ये गाढ़ी हो चुकी है, इसे मैंने मठावा कहलाता ना जो मही, उससे मैंने इसे घोला था। और बीच में ये नानू आ जाती है परेशान करने को, तो इसको भी पानी चाहिए है, तो मैं पानी दे देती हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं टमाटर का वेट कर रही हूँ कि टमाटर आ जाएं जल्दी, मैं काट लूँ और पकने रख दूँ। तो टमाटर भी आ गए हैं और टमाटर को मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीस में काट कर कुकर में डाल दिया है। सारी सब्जी और दाल को मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसमें मैं एक टमाटर, थोड़ा लग रहा कि कम है तो मैं और डाल देती हूँ एक टमाटर। और फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी, 4 से 5 गिलास, मैं इसमें 6 गिलास पानी डाल दूंगी। मतलब एक अपने अंदाज से पानी डालना है, जितना आपको रखना है पतला गाढ़ा उस हिसाब से। मैं इसको फ्राई बाद में करती हूँ सांभर को, पहले मैं पका लेती हूँ हल्दी नमक डालकर। तो थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी डालूंगी और नमक डालूंगी। और एक्चुअली क्या है ना, बीच बीच में नानू मुझे बहुत परेशान करती है, मतलब किचन में आएगी कुछ ना कुछ काम लगा देगी मुझे, तो मैंने इसमें यहाँ पर हल्दी नमक डाल दिया है। और अब मैं कुकर का ढक्कन लगा कर रख दूँगी गैस में, तो पकता रहेगा जब तक इसमें सीटी आएंगी। तब तक मैं अपना फ्रिज, मेरा काफ़ी गंदा हो गया तो मैं सोच रही हूँ तब तक ये पक रहा है तो मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। तो सुबह के बज गए हैं 11 और ये नानू अपना झूला झूल रही है और कुछ कुछ खा भी रही है, खाकड़ा रखे है बगल में, और ये टाइम्स देख रही है ये टीवी में। और क्यों, डिलीवरी बॉय आया है? मिल गया। अच्छा अच्छा, आज मेरे हस्बैंड जी का गिफ्ट आना था ऑफिस का, तो उन्होंने उनका ये दिवाली गिफ्ट आया हुआ है, तो अब देखते हैं इसमें क्या दिया उन्होंने। ऑफिस वालों ने गिफ्ट भेजा है, दिवाली गिफ्ट, तो ये मेरी कंपनी नेस है, तो नेस की तरफ से गिफ्ट आया हुआ है, दिवाली गिफ्ट आता है, और इसको खोल के देखते हैं एक्चुअल में है क्या। ये नानू जल्दी से आ गई है, देखो यहाँ पर खड़ी हुई है। यशिका हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय गाइज। तो गिफ्ट में क्या आया है जा रहा हूँ, आप लोग देखिए बस। नानू बोल रही है मैं भी देखना चाहती हूँ। ये मेरे को प्लांट मिला है और उसके साथ कुछ चीजें और मिली हैं, देखता हूँ क्या। इस बार का गिफ्ट तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, ये कैसा गिफ्ट है? पिछले इयर्स का अच्छा गिफ्ट आया था ना? नहीं, ये भी थोड़ा अलग है, मेरे को समझना देखना पड़ेगा, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा कहीं कंपनी वालों ने बियर वगैरह तो नहीं भेज दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भेजते। कांच की बोतल में ये बना के ऐसा दिया हुआ है, ये बोतल में बनाया हुआ है, ये इस टाइप का। ये बर्थडे।
खा बेटा आराम से जाए। शोपीस लेकिन ये ऑनलाइन आया है तो घर तक सेफ आ गया, बहुत बड़ी बात है। ये देखो प्लांट एकदम ओरिजिनल प्लांट है, ये कोई प्लास्टिक का भी नहीं है, और एकदम देखो ना कितना हरा भरा प्लांट है, बहुत ही प्यारा। बहुत अच्छे से उन लोगों ने मेहनत करके भेजा है, मतलब कितने अच्छे से बनाया हुआ है ये खुद से प्लांट। कैसा गिफ्ट और आएगा? अच्छा ये रखने के लिए स्टैंड शायद। अच्छा अभी एक गिफ्ट और आएगा। ये बॉटल को रखने के लिए ये उन्होंने ये भी स्टैंड भी भेजा हुआ है। ये ऐसा रहेगा। और इसको भी ओपन करेंगे अपन। ये रहा गिफ्ट नेस कंपनी का। ये फ्लावर इसमें लगाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा देखने में। और ये क्या है? ये इसके ऊपर यहाँ जमाने के लिए है। अच्छा अच्छा निकालना क्या है ये? अच्छा ये है प्लांट में डालने के लिए। हाँ ये ऊपर से। बेटा रुक जाओ मैं लगा रहा हूँ। बेटा मैं लगा रहा हूँ। अरे यशिका अभी ये पानी वगैरह लगेगा तो ये और खिल जाएगा। ये डेकोरेशन हो गया फ्लावर का। ये इसके साथ आया था, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और फ्रेंड्स आज का जो गिफ्ट आया तो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा गिफ्ट आने वाला है, मतलब हर साल आता था गिफ्ट में कि बहुत सारी चॉकलेट्स रहती थी बहुत अच्छी अच्छी, और काजू किशमिश पिस्ता वगैरह ये सभी भी रहता था। तो जो आज का गिफ्ट आया उसमें आया है ये बॉटल प्लांट, जो वाटर प्लांट होता है वो आया है। तो बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है देखने में भी, लेकिन और कुछ भी नहीं था। कॉन्ग्रेचुलेशन कार्ड था। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि अभी एक गिफ्ट और आने वाला है, तो मैं बहुत खुशी में। तो गैस पर कुकर चढ़ा हुआ है, जब तक सीटी आ रही है तो मैं यहाँ पर फ्रिज ही साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने फ्रिज को साफ़ नहीं किया है, बहुत गंदा हो गया था। मैं दिवाली का वेट कर रही थी कि दिवाली आएगी तो ही साफ़ करूँगी, और बाकी सफाई तो मैंने सारी पूरी कर ली थी, बस फ्रिज ही रह गया था। तो मैंने कहा कि मैं धनतेरस के बाद ही अब करूँगी, एक दिन दिवाली के पहले ही। तो मैंने जल्दी जल्दी सारा सामान खाली कर लिया, और इसकी ट्रे भी काफ़ी गंदी हो गई है, और इनको तो मुझे वॉश ही करना पड़ेगा। और मैं इधर फ्रिज को मैंने खाने वाले सोडा से साफ़ किया है, और खाने वाले सोडा से बहुत ही अच्छा क्लीन होता है फ्रिज। मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, मैंने किसी की वीडियो में देखा था कि खाने वाले सोडा से फ्रिज साफ़ करो तो बहुत अच्छा साफ़ होता है, और आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट कितना अच्छा साफ़ हो गया फ्रिज। एकदम स्पॉट्स वगैरह जितने भी रहते हैं ना, हल्दी सब्जी के कुछ भी लग जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा साफ़ हो गया यहाँ पर फ्रिज, आप देखिएगा मेरे। और जो ऊपर का ये फ्रीजर का ढक्कन है, ये नानू ने तोड़ दिया था, बहुत आइस खाती है, इसको आइस पसंद है, तो ये उसी में लटक गई थी जिस वजह से ये ढक्कन टूट गया है। और काफ़ी आइस जमने लगी है तभी से। तो देखिए मेरा फ्रिज एकदम साफ़ हो गया। और आज स्पेशल डे ने मैंने बनाया है सांभर इडली, बहुत ही टेस्टी बना है, तो आप लोग भी आइएगा खाने, ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा बन लगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो दाल और सब्जियां थी वो पक गई हैं, और अब मैं करूंगी सांभर को फ्राई। तो मैंने फ्राई करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्याज काटी हुई है बारीक, और करी पत्ता, हरी मिर्च और हींग भी ली है, और राई। तो मैं इन सब से अब इसको फ्राई करूंगी जल्दी से, क्योंकि टाइम हो गया खाने का, तो नानू के पापा को भूख लगाई है। मैंने यहाँ पर फ्राई कर दिया, और ये रहा सांभर मसाला।
तो ये सांभर मसाला मैं अपने टेस्ट के अनुसार ही डालूंगी, और अमचूर पाउडर जिससे ये खट्टा हो जाएगा, और आप इमली भी डाल सकते हैं इसमें, ऑप्शनल है। और यहाँ पर ये जो पेस्ट था तो इसे भी मैंने एक सा कर लिया, कितना गाढ़ा पतला चाहिए मुझे। तो पेस्ट में मैं डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा सा इसमें हमने सोडा डाला हुआ है जिससे इडली काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं, अच्छी बनती हैं। और जो इनो होता है तो वो इनो भी मैं यहाँ पर थोड़ा डाल दे रही हूँ खमीर उठने के लिए। तो आप ज़रूर बनाना, इडली बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती हैं सोडा डालने से, इनो डालने से। और नानू के पापा को बहुत तेज़ भूख लगाई है, वो मेरे से दो बार आकर बोल गए। मैं जल्दी से रेडी कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर देसी घी लगाया हुआ है, कोई कोई तेल भी यूज करता है लेकिन देसी घी मुझे अच्छा लगता है टेस्ट में। तो जब तक मैं यहाँ पर जल्दी से लगा कर घी और रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इडली रख दी है, और ये जब तक पक रही हैं तब तक मैं अपनी सांभर परस लेती हूँ थाली में। तो यहाँ पर इडली को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट ही लगता है, और अच्छे से पक जाती हैं। तो यहाँ पर इडली मेरी पक गई है, और मैं अब दे देती हूँ नानू के पापा को जल्दी से लगा कर, क्योंकि उनको भूख लगी है काफ़ी तेज़। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए, इडली रेडी हो गई हैं, काफ़ी सारी बनाई हैं मैंने इसीलिए कि आप लोग भी आएंगे खाने के लिए। और बताना ज़रूर मुझे कैसी लगी आप लोगों को इडली कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं भी ब्लॉग बनाऊँ, मैं दूसरों के ब्लॉग देखती हूँ, मतलब जो आयान मॉम ब्यूटी हैं और सोनल्स ब्लॉग हैं, तो मैं इन लोगों के ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, देख कर मेरा भी मन करता है कि मैं भी बनाऊँ। मैं क्यों नहीं बना सकती हूँ, मैं भी बना सकती हूँ, मैंने सोचा। लेकिन बट एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा बेबी भी छोटा है, छोटा तो सोनल का भी है, मैंने देखा ब्लॉग्स में, लेकिन जो मेरा बेबी है बहुत तंग करता है मुझे, 3 ईयर्स का ही है, और सारे दिन मेरा बिजी टाइम में ही निकल जाता है, हस्बैंड भी घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ। बट मैं अब पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, मैं भी आयान मॉम ब्यूटी की तरह बनाऊँ एंड सोनल ब्लॉग की तरह, मतलब उन लोग के जो सब्सक्राइबर हैं वो देखकर मुझे भी मन किया कि मैं भी ब्लॉग बनाऊँ, मैं भी एक बड़ी यूट्यूबर बन सकती हूँ, और बनूँगी, ज़रूर बनूँगी। मेरे फ्रेंड्स लोगों का साथ रहेगा तो मैं ज़रूर बन पाऊँगी। और फ्रेंड्स बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरा ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, जो भी न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।